गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पोदार ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। देखो, लास्ट क्लास के अंदर हम आपसे चर्चा कर रहे थे बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो था हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल रिएक्शन, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएँ देते हैं, वो हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने दो प्रकार केमिकल रिएक्शन इसकी करवा दी थी। एक तो था हमारे पास में एल्कोहल के समान जो केमिकल रिएक्शन है, अर्थात एसिडिक प्रवृत्ति जिसमें दर्शाएं, जैसे कि धातु के साथ रिएक्शन हमने करवाई थी। और इसके बाद में हमने करवाया था अम्ल हैलाइडों का निर्माण, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल से अम्ल हैलाइडों का निर्माण किस प्रकार से होता है, जैसे PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई थी हमने, तो अम्ल हैलाइड का निर्माण हुआ था। ऐसे ही PCl3 के साथ करवाई थी, तो इस प्रकार जो अम्ल हैलाइडों का निर्माण भी हमने बता दिया था। आज हमारे पास में तीसरा नंबर की वो है विकार्बोक्सलीकरण। विकार्बोक्सलीकरण से हमारा तात्पर्य है कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उससे CO2 का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, विकार्बोक्सलीकरण कहलाता है। यहाँ पर जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो उसका विकार्बोक्सलीकरण हो जाता है, तथा हमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्केनेज द प्रोडक्ट वहां पर बन जाता है। तो इसमें हम देखेंगे किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO2 का निकलना विकार्बोक्सलीकरण विकार्बोक्सलीकरण कहलाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है जब उसको हम गर्म करते हैं तो CO2 बाहर निकल जाती है और बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पर एल्केन एज द प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। क्या बनता है, एल्केन एज द प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं ले रहा हूं एक कार्बोक्सिलिक अम्ल R C(OOH), ये क्या है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका विकार्बोक्सलीकरण करवाना है, अर्थात इसको जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर CO2 है जो बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है। किस प्रकार से निकलती है, ये बंद इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगी, ये बंद इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगी, ये यहाँ तो जो CH बंद इलेक्ट्रॉन लेके चली जाती है और ये बंद इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली जाती है। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और बना देती है क्या, एल्केन एज द प्रोडक्ट RH। ये क्या है हमारे पास में एल्केन और साथ में क्या बनाती है, CO2 यहाँ पर निकल जाती है साइड प्रोडक्ट के रूप में। ये क्या है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में देखिए, यदि ये वाली है जो सॉरी C(OOH), ये वाला हमारे पास में एक एग्जाम्पल है इसका। तो इसमें यदि हम इसको गर्म करें तो विकार्बोक्सलीकरण होता है। विकार्बोक्सलीकरण किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से बंद इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, CO2 बाहर निकल जाती है और कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, साइक्लोप्रोपेन एज द प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। प्रोपेन बना तो इसका मतलब है कि एल्केन ही यहाँ पर बना है, लेकिन ये एल्केन कैसा है, साइक्लिक है, तो इसको बोलते हैं हम प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, क्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन एज द प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है। उतार लीजिए, विकार्बोक्सलीकरण की रिएक्शन होती है कंप्लीट। अगली है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचेन, चौथे नंबर की है हमारे पास में, वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचेन। तो देखिए,
अगला है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन। चौथे नंबर की है कार्बोक्सिलिक लिक अम्लों का अपचयन। देखिए जब कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका अपचयन करवाते हैं किसी अपचायक की उपस्थिति में, तो यहां पर है जो किसका निर्माण होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। अपचायक कोई भी हो सकता है, जिसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टेट्राहाइड लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड हो सकता है, Ag2O डाई सिल्वर ऑक्साइड हो सकता है। तो इस प्रकार के जब अपचायक की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो संगत 1 डिग्री अल्कोहल यहां पर बनता है। तो इसमें लिखेंगे हम विभिन्न का अभिकर्मक की उपस्थिति में विभिन्न अपचायक अभिकर्मकों की उपस्थिति में अपचयित चयित होकर संगत 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या लेंगे, कोई अपचायक लेंगे और अपचायक है जो उसको अपचयित कर देता है किसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, और उसको अपचयित करके क्या बना देता है, संगत अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बना देता है। देखिए हम यहां पर एग्जांपल लेंगे, जैसे कि पहला है हमारे पास में आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये हमारे पास में है। तो देखिए इसका जब अपचयन करवाएंगे, इसका अपचयन में मान लीजिए हम करवा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाई बोरा हाइड्राइड की उपस्थिति में भी इसका अपचयन करवाया जा सकता है, B2H6 जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए यदि मैं लेता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, या फिर हम ले सकते हैं क्या दूसरा अपचायक हो सकता है, B2H6 भी हो सकता है, ये दोनों ही अपचायक के रूप में काम करते हैं। जब तो इसका अपचयन करवाया जाता है तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है इसको डाले जाते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं, और जबकि यहाँ पर है दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो डायरेक्ट इसका अपचयन है हमारे पास में CH2 और OH, ये क्या बना हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल एज द प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास में बना। किसके द्वारा बना, अपचायक की उपस्थिति में अपचयन करवाया किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और बना क्या है 1 डिग्री अल्कोहल एज द प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। तो आगे देखिए एक और अपचयन है हमारे पास में, दूसरा है उत्प्रेरकी हाइड्रोजन करण के द्वारा भी है, जो वो भी एक अपचयन ही है किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। दूसरा है ए नंबर, तो ये हम लिख सकते हैं, बी नंबर पे है हमारा उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण करण। देखिए उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण जब हम करते हैं किसका, उसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का करते हैं। जैसे कि हमारे पास में उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण है, जैसे कि रुथेनियम की उपस्थिति में इसका यदि मैं हाइड्रोजनीकरण करवाऊं, किसकी उपस्थिति में, रुथेनियम की उपस्थिति में, रुथेनियम एक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, तो इसकी उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो बनने वाला कंपाउंड होगा क्या, अल्कोहल ही होगा। क्या होगा, अल्कोहल। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OOH, इसका मैं हाइड्रोजनीकरण करवा रहा हूँ और किसकी उपस्थिति में करवा रहा हूँ, रुथेनियम की उपस्थिति में, और कितना डिग्री टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर ये करवाया जाता है, 680 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, है ना। तो इसके जब हम करवाते हैं तो होता क्या है, ये H2 के रूप में इसके साथ बाहर निकल जाते हैं, दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाती हैं और इसका हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और बना देता है प्राइमरी अल्कोहल, क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो ये होता है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन के द्वारा किसका निर्माण, अल्कोहल का निर्माण होता है।
चार जो केमिकल रिएक्शन है वो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगली है हमारे पास में एमाइडो का संश्लेषण। किसका संश्लेषण? एमाइडो का संश्लेषण किसके द्वारा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एमाइडो का संश्लेषण, जो कि हमारे पास में पांचवें नंबर की केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए देखिए अगली हमारे पास पांचवें नंबर की वो है एमाइडों का संश्लेषण। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन जब हम करवाते हैं किसके साथ? अमोनिया के साथ करवाई जाती है, तो बनने वाला कंपाउंड होगा यहां पर एमाइड इज द प्रोडक्ट। और यहां पर जो रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर होती, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर प्रोसीड होती है। क्या होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहां पर संपन्न होती है। OH ग्रुप है उसको अमोनिया है जो रिप्लेस्ड कर देता है, अर्थात प्रतिस्थापित कर देता है। तो देखिए इसमें लिखेंगे सीधा ही हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे यहां पर RC11OOH, ये हमारे पास में होता है। तो देखिए इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम यहाँ पर अमोनिया के साथ, इसकी केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। और अमोनिया के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो एमाइड का निर्माण किस प्रकार से होता है? देखिए मान लीजिए हमारे पास में NH3, ये है NH3। देखिए एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल है जो इस पर अटैक करता है और इसको रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर बन जाता है क्या? यहाँ पर बनता है हमारे पास में एमाइड। यदि मैं इसको अमोनिया ने लेकर इसको 1 डिग्री एमीन ले लूँ, क्या ले लूँ? 1 डिग्री एमीन RCH2, तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा? एक एमाइड यहाँ पर बनेगा। देखिए किस प्रकार से हुआ, ये इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के, इसको बाहर निकाल देता है और यहाँ पर बन जाता है क्या? एमाइड एज द प्रोडक्ट NHR। ये क्या है? ये ग्रुप कौन सा होता है? ये ग्रुप होता है एमाइड ग्रुप। ये क्या है हमारे पास में? एमाइड एज द प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है। उतार लीजिए। अगला है हमारे पांचवें नंबर पर वो है एस्टरीकरण की अभिक्रिया। छठे नंबर पर है एस्टरीकरण की अभिक्रिया। देखिए छठे नंबर पर है करण। देखिए क्या होता है एस्टरीकरण? जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं अल्कोहल के साथ, तो बनने वाला कंपाउंड होगा क्या? एस्टर इज द प्रोडक्ट यहां पर बनता है। देखिए इसमें पहले लिखेंगे हम दो लाइन के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल वे अल्कोहल को तनु अम्ल या तनु अम्ल या तनु क्षारीय माध्यम तनु अम्ल या तनु क्षारीय माध्यम में अभिकृत कृत कराया जाता है तो
एस्टर कराया जाता है तो एस्टर वे जल बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। देखिए, हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी है और किसकी करवानी है? हमें करवानी है कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन करवानी है। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। और ये करवाई जाती है अम्लीय क्षार की उपस्थिति में। तनु अम्लीय तनु क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है। हमें पता है अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, दोनों ही खुद ही एक एसिडिक नेचर के होते हैं। तो देखिए, जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है अम्ल की अल्कोहल के साथ, तो बनने वाला कंपाउंड होता है यहाँ पर एस्टर एज द प्रोडक्ट यहाँ पर होता है। सबसे पहले लिखेंगे इसकी जनरल रिएक्शन, उसके बाद में हम लिखेंगे इसकी जो है मैकानिज्म। तो देखिए, ये हमारे पास में एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये क्या है? अम्ल। इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ एल्कोहल के साथ C2H5OH, ये क्या है? एथेनॉल। ये क्या है? एल्कोहल। और यहां पर लेते हैं हम तनु अम्ल या क्षार, और बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? एस्टर इज द प्रोडक्ट ओ C2H5। साथ में क्या निकलता है? हमें पता है जल यहां पर निकलता है। तो ये तो होती है इसकी जनरल रिएक्शन। लेकिन अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि यहां पर है, पता है जनरली तो हमें पता है, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं अल्कोहल को, मैं ऐसे भी लिख दूं इधर, मान लीजिए ये C2H5OH, ये क्या है हमारे पास में? अल्कोहल। अब हमें ये पता नहीं, हमें पता है कि यहाँ से जल का अणु निकल रहा है इन दोनों के मध्य से, दोनों फंक्शनल ग्रुप के मध्य से, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि यहाँ पर H किसका है और OH किसका है, ये हमें पता नहीं। इसका पता लगाने के लिए हम है इसकी रिएक्शन करवाते हैं, मैकेनिज्म हीते हैं और आइसोट्रोपिकली इसको करके, जो इसको आइसोटोप यहाँ पर लेते हैं ऑक्सीजन का दोनों में ही, या फिर एक में ले लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा आइसोटोप यहाँ पर प्रेजेंट है यदि एस्टर के अंदर, और तो उससे हम पता चल जाता है कौन सा ओएच यहाँ पर निकलता है। तो देखिए, ये तो है इसकी जनरल रिएक्शन। अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। देखिए, अब देखेंगे इसकी क्रिया विधि। क्या है? क्रिया विधि, एस्टरीकरण की क्रिया विधि। देखिए, इसकी क्रिया विधि है, उसमें क्या होता है? इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं कि यहाँ पर आइसोट्रोपिकल लेवल है, जो हाइड्रोजन युक्त है, जो हम लेते हैं क्या, देखिए यहाँ पर आइसोट्रोपिकल लेवल युक्त है जो लेंगे ऑक्सीजन, किसमें? वो लेंगे हम यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर, और उसकी रिएक्शन करवाते हैं विदाउट आइसोलेबल अल्कोहल के साथ। देखिए किस प्रकार, पहले इसमें दो लाइन में लिखेंगे इसकी क्रियाविधि में, आइसोट्रोपिक ऑक्सीजन का प्रयोग करने पर ज्ञात
ज्ञात हुआ कि जल का अणु बनाने में अल्कोहल का हाइड्रोजन कोष्ठक में लिख लेंगे प्रोटॉन देता है तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्ल का OH समूह होता है। तो देखिए इसकी क्रियाविधि है जो निम्न प्रकार से यहां पर है। अब लिखेंगे हम इसकी क्रियाविधि। तो देखिए यहां पर ले रहे हैं हम एसिटिक अम्ल CH3C OH, ये क्या हमारे पास में एसिटिक अम्ल, और इसको मैं ले लेता हूं आइसोट्रोपिकल लेवल ऑक्सीजन है जो। तो देखिए इसकी जब है मैं अम्ल की उपस्थिति में इसको रिएक्ट करवाता हूं तो होता क्या है, ये अम्ल है इस पर अटैक कर जाता है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए पहली जो स्टेप के अंदर क्या होता है CH3COH और इधर फिर से एक OH है जो कि आइसोट्रोपिकल लेबल्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके साथ रिएक्ट कर जाता है क्या, एथेनॉल। तो देखिए हम ले रहे हैं C2H5OH, एथेनॉल का OH है एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर जाता है, और इस पर अटैक करने के बाद में जो बनाता है देखिए किस प्रकार से होता है, बनने वाली स्पीशीज CH3COH ये आइसोट्रोपिकल लेवल है, और यहाँ पर है जो O ये हाइड्रोजन C2H5 इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर ये बंद के इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है और ये वैलेंस कंप्लीट हो जाती है, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चले गया तो ये H+ आयन है जो अटैक कर जाता है इस आइसोट्रोपिकल लेवल OH पर और इसको लिविंग ग्रुप के रूप में बना देता है। तो देखिएगा अगली प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इसका H+ निकल रहा है यहाँ से और बन जाता है CH3COH और COC2H5। अब इस पर एक H+ है जो फिर से अटैक कर जाता है इस पर, यह आइसोट्रोपिकल लेवल है इस पर अटैक कर जाता है तो इसको बना देता है OH2+ के रूप में जो कि एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। OH एक बैड लिविंग ग्रुप होता है जबकि OH2+ है जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो देखिए CH3COH OH है यहाँ पर, इसको मिटा ही देता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर साफ से नहीं दिखाई दे रहा है सेकंड। तो ये यहाँ पर हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर है जो एक OH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है OC2H5 ये बन जाता है। तो आगे है जो होता क्या है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला जाता है और ये बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चले जाते हैं तो यहाँ पर एस्ट्रे जो बन जाता है डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर है जो बंद के इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली गया C2H5 ये क्या बन जाता है एस्ट्र एज द प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। तो ये होती है एस्टरीकरण की रिएक्शन है जो कंप्लीट। यहाँ पर हमें पता चल गया है कि जो H2O के अंदर जो निकला है वो क्या निकला है आइसोट्रोपिकल लेबल है जो H2O यहाँ पर निकल जाता है। तो ये होती है एस्टरीकरण की रिएक्शन जो कंप्लीट। इसके बाद में हम करवाएंगे अगली क्लास में आपको।